लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कौन है जी, किससे बातें कर रहे हैं आप? ये बाबा जी, नहीं मैंने कुछ नहीं पूछा। नहीं नहीं, मेरी क्या मजाल, नहीं मैंने पूछा ही नहीं कुछ। अरे अजी, ये डाकिया मुझे देखकर भाग क्यों गया? अरे तुम इस हालत में देखे यमराज भाग जाएगा, वो बेचारा तो फिर भी डाकिया था। क्या? अच्छा ये लेके कहाँ जा रही हो तुम? अजी उस दीवार पे दीमक लगी है ना, उसी को निकालने जा रही थी। अच्छा, वो उस गरीब को मालूम नहीं था। वैसे आपके बेटे साहब उठ गए या अब तक? जब देखो तब मेरे बेटे के पीछे ही पड़े रहते हैं आप। वो बेचारा तो कब का जाग गया, नहाने भी गया है, बस तैयार होकर नीचे ही आता होगा। जब वो नीचे आएगा उसके बाद हमें खाने को मिलेगा। कमाल करते हैं आप, आपको खाने की पड़ी है, यहाँ मेरे बेटे ने सुबह से नाश्ता तक नहीं किया। कहाँ से करेगा नाश्ता, एक बजे तो सो के उठता है, एक बजे फिर नाश्ता नहीं होता, दोपहर का खाना होता है। रहने दीजिए, जब देखो तब ताने ही देते रहते हैं। तो क्या दें, खाना तो मिलता नहीं है। क्या कपड़े पहने, इसमें तो आज बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहे हो। शुक्रिया बाबूजी। बस कीजिए जी, नजर लगाएंगे क्या मेरे बच्चे को? चल बेटे तू खाना खा। ये सुनो, मैं भी खाऊं? हाँ आप खाइए। अच्छा खाइए। ये नौकर लोग ठीक से काम नहीं करते, आज इन सब की खबर लेती हूँ। तूने क्यों ठूका? माँ ने कहा था। क्यों ये? तुमने इसको ठूकने को क्यों कहा? कंकर आया था इसलिए। तू क्या ऐसे कंकर वाला खाना देती अपने बेटे को? बताओ, कंकर मेरे मुंह में आया था, ठूका इसको दिया। अच्छा बाबा जी मैं चलता हूँ। जाओ। तो मैं चलूं? हाँ जाओ बाबा। ठीक है तो मैं चलता हूँ। अरे तो जाना, जाता क्यों नहीं? अजी जाएगा कैसे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है बेचारे के। चलिए इसे पैसे दे दीजिए। पैसे? हाँ। आज के बाद मैं इसको एक नया पैसा नहीं देने वाला। हफ्ते में चार बार जब तक मेरे बच्चे का दिल ना दुखा लो तुम्हें चैन नहीं पड़ता। तुम भी मुझी को कहती रहो, ये चाय बिना मकसद गांव भर में घूमता रहे, आवारा गर्दी करता रहे, अय्याशी करता रहे। अजी कौन सी अय्याशी करता है ये, है दारू पी के आता है, लड़कियों को छेड़ता है, बेचारा गरीब गाय की तरह सर झुका के जाता है, सर झुका के आता है। वाह क्या गाय। और आपकी इतनी बड़ी जायदाद ये किसके काम आएगी? मेरा एक माँ मेरी टोपी। अरे क्यों अपने बेहुदा प्यार से इसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? अरे देखो उसका कद निकल आया है, ये अपनी जिम्मेदारी का बोझ कब उठाएगा? बस इसकी शादी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा। इससे कौन करेगा शादी? मैं कहती हूँ इसे पैसे दे दीजिए, बहुत हो चुका। मेरे पास पैसे नहीं, मैं अपनी तिजोरी की चाबी पता नहीं कहाँ घुमा के। अगर अरे क्या चाबी घूम गई तो फिर ये क्या है? और फिर सर इसे ही देने के लिए पैसे रखे थे तो इसे दिए क्यों नहीं? ले बेटा ले, इतने सारे पैसे छोड़ो। ये ठीक है ना, चला लो मामा, चलो। अरे अरे बेटा धूप कितनी है, चश्मा तो पहन जल्दी। और सुन धूप में ज्यादा मत घूमना बेटा, लू लग जाएगी। माँ जी मेरे होते हुए राजा बाबू को लू कैसे लग सकती है? मैं इस छाते से राजा बाबू को धूप से भी बचाता हूँ और बुरी नजरों वालों की नजर से भी। माँ जी क्या रे नंदू, सुना कल तूने मुखिया के कुत्ते को काट लिया था? पहले कुत्ते ने मेरे को काटा था इसलिए मैंने उसे काट लिया। झगड़े के अंदर मैं हिसाब बराबर रखता हूँ। अच्छा अच्छा ले पकड़, इसमें मौसम्बी का रस है, गाजर का हलवा है और ताजे सेब है। हर आधे घंटे बाद मेरे राजा को खिलाते पिलाते रहना। जी मालकिन, हर आधे घंटे के बाद मैं इनको खिलाता रहूंगा। ऊंट की तरह खड़ा क्यों है, बैठ जाना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, और फिर मुझे मालकिन की चपले खानी है क्या जो मैं इनके बराबर में बैठू? क्या हुआ बेटा? माँ मेरा लॉकेट अंदर अटक गया है। अरे लॉकेट ये ले। हाँ अब ठीक है। माँ मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है मेरा बेटा, अब तू जा नहीं तो मेरी नजर लग जाएगी, चल जा। अबे छतरी हटा, छतरी हटा नंदू, छतरी हटा, मुझे दिखी। ए जी 12 बजने को आ गए, अब तो सो जाइए। तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मुझे नींद नहीं आ रही है। लेकिन मुझे तो आ रही है ना। तो तुमसे किसी ने कुछ कहा है? जाके सो जा। कैसे सो जाऊं, मैं नहीं होंगी तो पता नहीं क्या करोगे आप। वो मेरा भी बेटा है, गला घोंट के बाहर नहीं दूंगा उसको मैं। जानती हूँ लेकिन बाप बाप होता है और माँ माँ। अरे बाबूजी जानकी, जानकी क्या हुआ, क्या हुआ जानकी? पता नहीं, अचानक बहुत दर्द हो रहा है मुझे। ए नंदू जल्दी आकर रोजी को लेकर चले जा, बहुत दर्द हो रहा है। तू खड़ा कर मुंह क्या?
क्या देख रहा है? जा भाई जी को बुला के ला। नहीं जी, नहीं जी, आते आते बहुत देर हो जाएगी। मुझे मुझे ही वहां ले चलिए। अरे राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगर वो तुम्हें मारेगी। चुप है, वही तो मुझे तारेगी। राजा इधर आ, इधर आ। क्या बात है, आजकल सुबह सुबह उठ जाता है, इतनी जल्दी उठ के जाता कहाँ है सवेरे सवेरे? मंदिर गए थे देवी के दर्शन करने। ओ, कोई बहुत प्रताप वाली देवी लगती है। अरे उसके प्रताप का मत पूछो माँ, एक बार दया कर दे मेरी जिंदगी सवर जाएगी। क्या उम्र होगी उस देवी की? होगी 18-19 साल की। नहीं नहीं नहीं, कभी देवियों की भी कोई उम्र होती है? लेकिन इस देवी की उम्र है 18 या 19 साल की, है ना? मगर राजा तू तो अच्छी तरह जानता है कि तेरे बाबूजी ने तेरी शादी बचपन में ही तय कर दी थी अपने दोस्त की बेटी के साथ। मैं जानता हूँ माँ, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मेरी माँ चाहेगी तो सब कुछ ठीक हो सकता है। माँ, माँ तेरी कसम, माँ मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। माँ उसे मेरी शादी करा दो। अच्छा बाबा, अच्छा बात करती हूँ तेरे बाबूजी से, अगर वो मान गए तो कल ही तेरा रिश्ता लेके उसके घर जा। तो क्या है मेरे बेटे ने जब से आपकी बेटी की तस्वीर देखी वो दीवाना सा हो गया है, और आपकी बेटी को रिझाने के फिराक में उसने लाला जी को फंसा दिया। अरे अरे साहब, फंसाया क्या, मुझे तो नंगा करके पीटा है, जानवरों की तरह बांध दिया, खाना तक मुझे नहीं दिया। लाला जी मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। आप लोग बातें कीजिए, मैं अपनी बहू से मिल के आती हूँ। चंद्रमोहन अचानक, अरे अचानक तुमने पहाड़ हमारे सर के ऊपर तोड़ डाला। हमने सुना कि तुमने राजा बाबू की शादी कहीं और तय कर दी। अरे कुछ तो बचपन की दोस्ती का लिहाज किया होता। जब से इसने सुना है, ये तो बेचारी दोनों के पागल होती जा रही है। देख इसको। हाँ भाई साहब, बचपन से लेकर आज तक हमने अपनी बेटी को यही दिलासा दिया था कि उसकी शादी आपके बेटे राजा से होगी। मैं शर्मिंदा हूँ बहन, अब जो हो गया सो हो गया चंद्रमोहन, लेकिन तेरी बेटी मेरी बेटी है, उसके लिए वर मैं तलाश करूंगा, उसकी शादी मैं करूंगा, सारा खर्च मैं बर्दाश्त करूंगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन राजा को भूल जाओ, क्योंकि वो लड़की राजा की जिंदगी है, उसकी खुशी है, पर ये पगली अपने बेटे को किसी हालत में दुखी नहीं देख सकती। मैं हाथ जोड़ता हूँ, चल इतनी मेहरबानी कर। चल अरे बेटी तुम कब आई? क्यों रे नंदू, हमारे होने वाली बहू पहली बार हमारे घर आई और तू हमें बताने तक नहीं आया। क्या है ना बेटी, आज शुभ दिन है ना, इसीलिए मैं और तेरे ससुर जी गांव में न्योता देने निकले थे। देख तो बस अब इतने ही कार्ड रह गए हैं, और इन्हें बचाकर ही रखना, किसी को देने की कोई जरूरत नहीं। ये तुम क्या कह रही हो बहू? बहू कौन बहू, किसकी बहू? मैं तुम्हारी कोई बहू बहू नहीं हूँ। क्या बात है बेटी, ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? किसी ने कुछ कह दिया तुम्हें? किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरी किस्मत अच्छी है इसीलिए सच्चाई अपने आप मेरे सामने आ गई। आपके 5वीं क्लास फेल, अनपढ़ गवार बेवकूफ बेटे के साथ मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या मेरे बेटे को बेवकूफ कहा तूने? छोड़ो, 4 क्लास क्या पास कर ली, मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहेगी? अस्ते आके सुना आपने, ये कहती क्या है मेरे बेटे को, अनपढ़ गवार है मेरा बेटा, क्या कहना क्या है तुझे? अरे छोड़ो, ऐसे थोड़ी होता है, शादी के कार्ड बन गए, लोगों को पता है कि शादी होने वाली है, कभी शादी के लिए हाँ कहती कभी ना कहती, ये कोई बात है? अरे